कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। y इक्वल टू एक्स साइन 3x। हल क्या है? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए अवकल समीकरण जो हमारे पास है उसको लिखते हैं। इसका हम y इक्वल टू एक्स साइन 3x का एक बार अवकलन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए dy बाय dx इक्वल टू, अभी दो फलन है तो पहले का अवकलन दूसरा ज्यामितीय एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 गुणित साइन 3x यही होगा, प्लस किसका साइन 3x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस 3x और 3x का फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा ये 3x cos 3x। इसका क्या करें, पुनः एक बार अवकलन, पुनः एक बार अवकलन करने पर जब इसका पुनः एक बार हम अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 3x का कॉस 3x इंटू 3 मतलब 3 कॉस 3x प्लस, अब यहां दो पद है x का अवकलन करेंगे तो कॉस 3x बचेगा, कॉस 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x, साथ ही साथ 3 भी आएगा तो क्या लिखेंगे 3x साइन 3x। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉस 3x प्लस 3 कॉस 3x माइनस 3 जा 9 है ना, 9x साइन 3x, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों के जुड़ने के बाद डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 6 कॉस 3x माइनस 9x साइन 3x, अब हम में से एक जानकारी सभी को होगी उसको हम लिख, कौन सी, कि हम जानते y इक्वल टू x साइन 3x, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं वैल्यू हमारे पास होगी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इसे 6 कॉस 3x माइनस 9y, इन दोनों को दाहिनी ओर से अगर बाईं तरफ हम ले जाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं कि हमको यही तो प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था और यह आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं क्या, हमें यही प्रूव या यही सिद्ध करना था। इसका क्या मतलब हुआ, अतः दिया गया फलन लिख सकते हैं हम, अतः
दिया, गया। फलन दिए गए, अवकल समीकरण का हल है। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।